वेलकम आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर यार जो हम बात करेंगे कि अभी मैं जा रहा हूँ, जो है आप सभी के लिए सरप्राइज था, अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया। इंडिया क्यों जा रहा हूँ, जो है आपने जो है सरप्राइज वगैरह देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा। पता नहीं अरे मैं वीडियो पहले डालूंगा बाद में, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो अभी जो है मेरी फ़्लाइट है यहाँ से, और जो है टाइम अभी और है, तो जो टाइम मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, अभी जो है 6:15 हो रहे हैं, 6:00 देखो 15 मिनट हो रहे हैं अभी यहाँ पे। और जो है मेरी फ़्लाइट है अभी यहाँ पे अप्रोक्स 11 के आसपास जो है मेरी फ़्लाइट है, तो मतलब अभी टाइम पड़ा है। तो मैं सोचा चलो व्लॉग वगैरह बनाते हैं, आपको दिखाता हूँ मेरी जर्नी कैसी क्या है। और जो है मैं ऑलरेडी मतलब पहले इंडिया जा चुका हूँ, अभी सेकेंड टाइम है मेरा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या है सारी चीज़ें, एयरपोर्ट वगैरह कैसा क्या है। और मेरे साथ में जो है ये एक बैग है ये वाला, और मेरा छोटे वाला, और इसके ऊपर जो है ये हैंड बैग है जो लैपटॉप वाला, बस जो है ये दो बैग है मेरे पास। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या एयरपोर्ट है, फिर अपना जो बोर्डिंग पास लेते हैं और बैगेज क्लेम करते हैं, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखो ये कुछ मेरा बैग है अभी, ये अपना क्या बोलते हैं 23 किलो का, प्लस में लैपटॉप बैग है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे कुछ गाड़ी वगैरह डिस्प्ले में लगा रखी है इन्होंने, कि रशिया वालों ने, कि मतलब ये इनका जो है ब्रांड वगैरह है। देखो ये लिखा हुआ है .ru, मतलब लोकल ही ब्रांड है इनका इसी सीरीज करके। और यहाँ पे ऐसा कुछ देखो काफ़ी मस्त जो है एयरपोर्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ आपको फैसिलिटी मिलती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और अगर आपको डिपार्चर करना है डिपार्चर का है, सारे जो है यहाँ पे देखो फ्लाइट के बोर्ड वगैरह सब सब कुछ यहाँ पे जो है वो लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वो अभी है ना अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कराते हैं, फिर उसके बाद जो आगे का मैं दिखाता हूँ। मेरी जो है मैंने विंडो सीट चूज़ की है और चेक इन करके, और जो मेरी एयरलाइंस है वो अभी उज़्बेकिस्तान एयरवेज से जो मैं जा रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या है, कैसे जो है सारी चीज़ें जो रहती है A to Z, और प्रॉपर गाइड करता हूँ मैं। अभी देखो ये बैग हूँ यहाँ पे डिस्प्ले लगा रखी है। अब देखो यहाँ पे सारी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन जितनी आ रही है, डिले है, कौन चेक इन है, चेक इन ओपन है, किसका क्लोज है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है। अपनी फ़्लाइट है वो देखो ताश्किन की 11:45 पे, और जो है वो चेक इन जो है इसमें स्टार्ट हो जाएगा 7:45 पे, तो जो अपना चेकिंग वगैरह करा सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे देर का डिपार्चर कहाँ से जो है वो अभी होएगी, तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, जो है आप ले सकते हो। और यहाँ पे ऐसे कुछ कैफ़े वगैरह बना रखे हैं, तो आप बैठ सकते हो यहाँ पे। तो गाइज़ ये देखो यार मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यार, क्योंकि पता है आप एक बार सोचो मेरे जो चेक इन है फ़्लाइट का कितनी देर में हुआ होगा, मैक्सिमम जो है मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, मे बी 40 सेकंड के अंदर जो है उन्होंने चेक इन कर दिया, पासपोर्ट लिया, बैग लिया, और जो है ये बोर्डिंग पास इशू कर दिए, और जो मेरा बैग है वो डायरेक्ट मेरे को दिल्ली मिलेगा। तो यार ये सही है यार, काफ़ी अच्छी बात है। और मैं सोचता हूँ यार चलो खास अपना जो दिल्ली में भी ऐसे ही हो जाए जल्दी जल्दी, और देखो हो जाएगा, अपना प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा वो, लेकिन बस बात वही है यार अपना ठीक है जैसे तैसे हो जाए, और फिर अपना अच्छी बात है यार। तो मेरे को काफ़ी सही लगा यार कि देखो दो मतलब दोनों बोर्डिंग पास दे दिए मेरे को यहीं से ही, तो यार ये भी काफ़ी सही है। चलो अभी मैं बात करता हूँ बाद में इमिग्रेशन क्लियर करा के। अभी भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि देखो मेरा भी मतलब 1 मिनट के अंदर इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, कुछ वगैरह पूछा नहीं, और पासपोर्ट दिया, इमिग्रेशन कार्ड जो आपको मिलता है ना एयरपोर्ट जब आते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आके सबमिट कराना होता है, तो उन्होंने सबमिट वगैरह कर लिया और पासपोर्ट मेरा दे दिया, तो यार सही है चलो अच्छी बात है। और फिर ये अपना हो गया, तो अभी मैं ड्यूटी फ्री एरिया में हूँ, और फिर देखते हैं क्या यहाँ पे। तो यार ये सारी अल्कोहल वगैरह मिल रही है, इनका तो मतलब ही नहीं है। तो अभी घूमता हूँ मैं, देखता हूँ कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हैं, बाकी चलते हैं अपना आगे। और फिर जो है वो मैं ताश्किन के अंदर मैं दिखाता हूँ कैसे क्या अपना जो है एक्सपीरियंस वगैरह रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ जो है ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे फ़्लाइट का टाइम टूम जो है सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप यहाँ से भी मतलब ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे क्या आपकी फ़्लाइट है। अभी तो मतलब काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है इसमें आ जाएगी। और यहाँ पे भी सामान वगैरह कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो, यहाँ पे भी बैठ सकते हो, काफ़ी अच्छा मतलब बना रखा है। कुछ लेना हो कपड़े वगैरह तो आप ले सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए है। चलो यार सही है अपना। और इस साइड जो डिस्प्ले वगैरह है यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सर सामने। सो गाइस अभी जो टाइम बचा है ना वो 1 आवर बचा है अभी, तो यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सीट वगैरह देखो कितनी कम्फर्टेबल है यहाँ पे रशिया में जो है वो, देखो ये सारी सीटें हैं अभी, और मतलब इतनी कंफर्टेबल है मैं दिखाता हूँ। देखो ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और मतलब देखो कितनी कंफर्टेबल लग रही है, काफ़ी सही लग रही है। देखो यहाँ पे आराम से बैठ जाओ बिल्कुल, और सामने जो है कैफेटेरिया है, यहाँ पे खाना लोग बाग बैठे हैं यहाँ पे सामने जो बाहर कैफे भी आ रहे हैं। सो गाइज ये वाली अपनी फ़्लाइट है आपके बारिश वाली जो उज़्बेकिस्तान वाली है ये, और पीछे से देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, खाने यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लाइन देखो काफ़ी लंबी लगी हुई है।
तो देखते हैं अभी सीट वगैरह, अपनी विंडो सीट है और कैसे क्या जो है फ्लाइट रहती है। ये उज़्बेकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलो चलते अपना। सो अभी मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ और जो सीट वगैरह है वो मिल चुकी है। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो देखो 11:23 जो अभी टाइम हो रखा है, और हमारा 45 का जो है वो डिपार्चर है। तो बाहर का मैं व्यू दिखाता हूँ और डिस्प्ले वगैरह दिखाता हूँ, मैं कैसे क्या खाना वगैरह है वो मैं चीज़ें सारी दिखाता हूँ आपको, तो वो देखना फिर आगे बात करें। गाइज़ अभी जो है मैं फ़िलहाल ताशकिन एयरपोर्ट पे हूँ, और जो है ये काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है। अभी वीडियो देखना मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो अभी जो है मेरे साथ जो है चरण भाई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यार हम दोनों जगह काफ़ी। हेलो कर दो। तो आप MBBS कर रहे हो ना किर्गिस्तान से? तो ये अभी MBBS कर रहे हैं, फाइनल ईयर है। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे भाई मिल गए, तो मेरे को भी मतलब सही लगा यार अपना जो है मतलब यहाँ पे बातचीत कर ली, तो टाइम भी अपना निकल गया अच्छे से। और अभी बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली है फ़्लाइट की, तो अपना फिर मैं दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट वगैरह कैसे क्या है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कैसा लगा आपको एयरपोर्ट यार? ये छोटा एयरपोर्ट है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, और मतलब इतने फूड वगैरह की ऑप्शन मतलब कोई ना है, इतने चांसेस ही नहीं है। नाम करेंसी का भी मतलब वही है, वाईफाई में भी दिक्कत हो रही है ना। हाँ तो इसके ऊपर है ना गाइज मैं एक वीडियो बनाता हूँ मैं अभी, तो वो वीडियो बनानी पड़ेगी इसके ऊपर क्योंकि जरूरी है यार। तो ये है, तो थैंक यू सो मच यार भाई अपना रहे और अपना ठीक है, अच्छा लगा। और तो ये था, अभी मैं जो है बोर्डिंग वगैरह करता हूँ, फिर दिल्ली पहुँच के फिर मैं आपको मिलता हूँ, सारा मैं दिखाता हूँ नाइट का कैसे क्या है सारी चीज़। मैंने स्टार्टिंग से आपको दिखा रखा है कैसे क्या इमिग्रेशन वगैरह हुआ, तो आगे बात करें। फाइनली जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और अभी बैगेज वगैरह का जो है वो लेना है मेरे को, तो बैगेज वगैरह का सामान कलेक्ट वगैरह करते हैं। पहुंचते ही जो मतलब फीलिंग आती है ना वो नेक्स्ट लेवल वाली आती है, तो काफ़ी मज़ा आ गया। तो अभी बैगेज वगैरह मैं लेता हूं अपना, और फिर जो है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। बाहर चलते हैं अपना एयरपोर्ट से, और इमिग्रेशन का मैं दिखाता हूं कैसे क्या है सारी चीज़ें, फिर बात करता हूं मैं आगे। तो चलो चलते हैं अपना जल्दी जल्दी, बैगेज जो है वो क्लेम करते हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है। लेकर देखो ये कुछ ऐसा एयरपोर्ट है, देखो ये दिखाऊँ मैं अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकेंड टाइम आते हुए, और यहाँ पर मतलब सारा सब कुछ सही है। देखो यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह का जो है यहाँ पे दे रखा है, बायोमेट्रिक्स और सारी चीज़ें यहाँ पे बैठने का, तो काफ़ी सही लग रहा है यार। सो गाइस जो है अपना इमिग्रेशन वगैरह भी क्लियर हो चुका है सारी चीज़ें, और अभी जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ कि अपना बैग आएगा, फिर जो है बैग लेते हैं अपना और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या मैं जाता हूँ। तो बैगेज वगैरह क्लेम करता हूँ मैं, और फिर उसके बाद जो आगे देखो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बैगेज आ जाए। अपनी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन है देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रही ताशकिन, और अभी जो हाई है और ये 30 जो लाइन है, ये कैसे पूछना है आपको जो है यहाँ पे डेस्क वगैरह लगेंगे हेल्प वाले को बता देंगे आपको, तो उन्होंने बता दिया था। अब इनमें से अपना बैग देखते हैं और फिर लेते हैं अपना। सो गाइस फाइनली जो है वो अपना बैगेज वगैरह भी आ गया, ये देखो मैं दिखाता हूँ ये रहा बैग मेरे साथ में, और जो है अभी चलते हैं यार मैं जाता हूँ अपने घर पे, और फिर जो है मैं आपको फ्यूचर में अच्छी अच्छी खुशखबरी वगैरह देता हूँ मैं आपके लिए, सरप्राइज़ है तो उसके लिए मैं आया था, तो वो मैं धीरे धीरे जैसे टाइम मिलेगा मैं वो हम आपको बता दूँगा। तो यार ये था मेरा सफ़र मॉस्को से दिल्ली का, अभी दिल्ली हो गया। हाँ इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा यार, अपने वाले कुछ नहीं पूछते, पासपोर्ट देखा फ़ोटो खींची। अब जो थोड़ा इमिग्रेशन भी है यहाँ पे डिजिटल होने वाला है, तो मतलब नॉर्मल था कुछ ऐसा था नहीं। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।